जिसके हाथ में डोई उसका है सब कोई। वैसे आपको बता दें, डोई का मतलब होता है करछी। इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के लिए मायने नहीं रखता है, तभी तो पाकिस्तान को इतना बड़ा धोखा मिल गया है अमेरिका से। जो धोखा बाइडेन ने दिया है वो धोखा तो ट्रंप ने भी नहीं दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और फ्रांस में तगड़ी वाली भिड़ंत हो रही है। तो सबसे बड़ी खबर, मुंबई ब्लास्ट के मामले में क्यों कूद गए बाइडेन। तो वहीं ईरान पहुंची भारत की क्रेन, तो चीन और पाकिस्तान की क्यों नींद उड़ गई है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चीन और पाकिस्तान जो मिलकर बना रहे हैं ग्वादर बंदरगाह, उसके काट के रूप में ईरान के चाबहार को देखा जाता है। यह भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इस बंदरगाह को ईरान पर लगे प्रतिबंधों से मुक्त रखा है। भारत ने अफगानिस्तान से ईरान के चाबहार तक सड़क का निर्माण भी कराया है, जिससे अफगानिस्तान को समुद्र तक आसानी से पहुँच मिल जाती है। और चाबहार पोर्ट के कारण ही भारत अपना माल अफगानिस्तान और ईरान को जहां सीधे भेज पा रहा है, तो वहीं भारत रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ा रहा है। मध्य एशिया के अधिकतर देश चारों तरफ जमीन से घिरे हुए हैं, इसलिए भारत चाबहार के जरिए इन देशों में कम लागत में अपने माल को पहुँचा सकता है। इस पोर्ट के कारण रूस से हथियारों की खरीद के कारण जो व्यापार घाटा होता है उसकी भी भरपाई होती है। भारत ने 23 मई 2016 को ईरान के साथ 8.5 करोड़ डॉलर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस डील के पहले चरण में बंदरगाह पर उपकरण लगाने, मशीनीकरण और परिचालन शुरू करने का समझौता किया गया था। दूसरे चरण में माल सप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, और भारत ने इसके लिए बकायदा एक पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग कंपनी भी बनाई, जिसे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का नाम दिया गया, जो इन चीजों को हैंडल करेगा। और अब भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का काम तेज कर दिया है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण धीमी गति से चल रहे इस प्रोजेक्ट के स्पीड पकड़ने से पाकिस्तान और चीन दोनों की चिंताएं बढ़ गई है। भारत ने सोमवार को बंदरगाह पर लगने वाले क्रेन सहित कई अन्य उपकरणों की दूसरी खेप की आपूर्ति की है। इससे पहले जनवरी में भारत 2 मोबाइल हार्बर क्रेन भी यहां लगा चुका है। बाकी बचे 2 क्रेनों की आपूर्ति इस साल जून तक कर दी जाएगी। और अब चीन और पाकिस्तान की घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने ईरान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। और जाहिर सी बात है, भारत के खिलाफ उकसाने का काम भी ये दोनों देश लगातार कर रहे हैं। पर चूंकि चाबहार पोर्ट अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त है, ऐसे में ईरान भी नहीं चाहेगा कि भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाले। वैसे जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, पर इस वक्त भारत के इस कदम से चीन और पाकिस्तान को झटका जरूर लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को आजकल बाइडेन नए नए झटके दे रहे हैं। ट्रंप के समय में पाकिस्तान ने ये सोचा था कि रिश्ते ट्रंप की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के खराब हो रहे हैं, और जब बाइडेन आएंगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे। बाइडेन के सत्ता पे चढ़ते ही कुरैशी से लेकर इमरान खान तक ने सबने ये कहा था कि अब हमारी सोच वाली सरकार आई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते फिर से अच्छे होंगे। और लाल थैली भी सिलवा ली, ये बड़ी बड़ी लाल थैलियाँ मुंह खोले खड़ी थी कि कब अमेरिकी डॉलर की बरसात होगी। दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी डॉलरों की खैरात देनी बंद कर दी थी, पर बाइडेन के आने के बाद इन थैलियों के मुंह फिर से खोल कर बैठ गया पाकिस्तान। पर इस बार उसके उलट बाइडेन ने वो काम करने शुरू कर दिए हैं जो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे रहा है। दरअसल मई 2011 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा थे, तब भारत के साथ रिश्ते थोड़े बहुत जरूर अच्छे थे अमेरिका के। और उस वक्त आंतरिक सुरक्षा मंत्री जेनेट नेपोलितानो ने उस समय के भारतीय समकक्ष पी चिदंबरम से मिलकर एक डील की थी, और इस डील के जरिए साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, नई नई टेक्नोलॉजी और कई ऐसे अहम मुद्दे थे जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित थे, उन पे बात करने की जोर दी गई। इस बात करने का साधारण मतलब ये था कि अगर उनके देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है तो भारत बताएगा, और भारत के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अमेरिका बताएगा। जाहिर तौर पर ये चीज पाकिस्तान को नागवार गुजरती थी, और उस वक्त अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के दबाव में पाकिस्तान को खुश रखने के लिए अमेरिका ने इस डील को कैंसिल
कैंसिल कर दिया और इस संवाद को भी बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, अमेरिका किस मुंह से ये कहता कि पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर में क्या करने वाले हैं, पाकिस्तान कितने घुसपैठ कराने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका से कोई बात छिपी हुई थी तब भी और आज भी। ऐसे में अमेरिका ने चुप रहना बेहतर समझा था और इस डील को कैंसिल कर दिया था। और अब भारत और अमेरिका 8 साल बाद इस आंतरिक सुरक्षा डायलॉग को फिर से शुरू करने पर राजी हो गए हैं और ये प्रस्ताव खुद अमेरिका की तरफ से आया है। अब ये दोनों देश इस डायलॉग के दौरान साइबर सिक्योरिटी, बढ़ते आतंकवाद, उग्रवाद सहित कई आंतरिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और दोनों देश एक दूसरे के सहयोग से आंतरिक सुरक्षा को लेकर बड़ा हल निकालने की कोशिश भी करेंगे। वैसे बाइडेन द्वारा दिया गया यह झटका अकेला नहीं है पाकिस्तान को, जिसे पाकिस्तान एक धोखे के रूप में देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि अमेरिका हमेशा पहले अपनी देखता है। मूल रूप से अगर बाइडेन का इतिहास देखेंगे तो बाइडेन कभी भारत के हिमायती रहे नहीं हैं। उनके दोस्त हैं पाकिस्तानी जरदारी। लेकिन अभी देखिए, अभी बाइडेन वही सारी नीति फॉलो कर रहे हैं जो ट्रंप के समय था। तो दरअसल न तो नीतियां ट्रंप बनाते हैं न बाइडेन बनाते हैं, बल्कि नीतियां अमेरिका के नीति विशेषज्ञ बनाते हैं और उस पर हर उस राष्ट्रपति को चलना पड़ता है जो आता है। बाइडेन बस उसी नीति पर चल रहे हैं। पर अब अचानक से बाइडेन ने मुंबई ब्लास्ट मामले में अपनी नाक घुसेड़ दी है। मुंबई ब्लास्ट को कौन भूल सकता है। 2011 6 अमेरिकी समेत 166 लोगों की मौत, जिसमें निया ने डेविड कॉलमैन, हाफिज सईद और राणा समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी। सभी पर साजिश रचने और हमला करने का आरोप था। भारत ने राणा को भगोड़ा घोषित कर रखा है और डेविड कॉलमैन हेडली का यह बचपन का दोस्त है। 59 वर्ष के राणा को भारत के अनुरोध पर 10 जून को अमेरिका के लॉस एंजलिस में दोबारा पकड़ा गया। इसके बाद भारत ने मुंबई हमले में उसके शामिल होने की बात को लेकर अमेरिका से उसे प्रत्यर्पण करने की मांग करी। राणा ने इसके विरोध में अमेरिकी कोर्ट में प्रस्ताव दिया। राणा के वकीलों ने ये कहा कि अमेरिका भारत की जो प्रत्यर्पण संधि है उसके आर्टिकल 6 के तहत राणा को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है, मतलब उसे नहीं भेजा सकता है, क्योंकि राणा पहले ही उन अपराधों से बरी हो गया है जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है। तब ऐसा लगा था जैसे भारत को एक बड़ा झटका लग गया और भारत उसका प्रत्यर्पण नहीं करा पाएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने इस तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने के लिए यहाँ की अदालत से निवेदन कर दिया है। अमेरिका के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लॉस एंजलिस की अदालत में कहा गया कि राणा को भारत भेजने के सभी नियमों के अंतर्गत ही आता है और राणा को भारत भेज दिया जाए। वैसे बाइडेन प्रशासन का खुद इस मामले में इंटरेस्ट लेना, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बाइडेन इस वक्त भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हालांकि राणा पाकिस्तानी मूल के हैं और ये पाकिस्तान को एक दूसरा बड़ा झटका है। वैसे आपको क्या लगता है, S-400 खरीदने पर जिस तरह के हालात हैं, क्या अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।